धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भाई का जैन चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटे से राज्य से एक छोटी सी पार्टी को यहां में निमंत्रण करके अपना बड़ा दिल दिखाया है। आई थिंक जयंत, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सम्मान दिया है ये उसी विचारधारा से है कि आप जितने भी पिछड़े वर्ग से हो, कितनी भी छोटी जगह से हो, कितनी भी छोटे राज्य से हो, तभी भी आपका दर्जा सबके लिए एक ही है। और वही चौधरी जी का एक सपना था और एक सोच था, और आज आपने मुझे यहाँ में निमंत्रण करके आप सबके सामने मुझे एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कुछ कहने के लिए अपने राज्य के बारे, अपने क्षेत्र के बारे, नॉर्थ ईस्ट के बारे। मैं इसको आपका बड़प्पन समझता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग इन्वाइटेड मी हियर। सबसे पहले मैं मुझे एक बात की शांति है कि जेना जी ने मुझसे पहले बात किया, उसके बाद हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने बात किया, तो मतलब है कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं कहीं मैं अगर हिंदी में कुछ चूक आ जाए तो आप अपने भाई को माफ़ कर दीजिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आपके जैसी तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देश में संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे बारे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम आपके बारे बहुत जानते हैं, हम चौधरी जी के बारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, शायद बहुत लोगों को ये बात का जानकारी भी नहीं होगा कि मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब चौधरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में। तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशनशिप रहा है, और आज चौधरी जी का ये जो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूँगा, और हमारे बीच में आज चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये मेरी खुश नसीबी है कि उनके देहांत से पहले मेरी मुलाकात जैन जी के संग उनके घर में हुई थी। और उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था, तो मैंने, हमारा उम्र भी कम है, तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज़ जो उन्होंने जो मुझे कहा था उस समय, और आज मैंने उन बातों में अमल किया, और आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है 2 महीने के अंदर। तो उस समय उन्होंने, आप लोग ने मुझे महाराजा कह के जिक्र किया है, कोई महाराजा हूं नहीं मैं, हिंदुस्तान में कोई महाराज नहीं है। एक महाराजा था, वो एयर इंडिया था, वो भी बिक गया है। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजों ने एक समय त्रिपुरा में उनका राज था। आज मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं यहां हिंदुस्तान के बात करने के लिए आया हूं, कोई परिवार के बारे बात करने के लिए नहीं आया। तो ये नॉर्थ ईस्ट में, शायद आप लोग, बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है, और बहुत लोग बोलते हैं तिब्बत है जो चाइना है। और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नेक। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे आम भारतीयों के बारे क्या जानकारी है, बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो, और ये जो दूर है, दूरी है, ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है
कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए, कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में, कहीं में कल्चर के नाम में, उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम लोग डरते नहीं है किसी से। और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं है किसी से। जो भी शासन, अभी मुझसे पहले शरद यादव जी ने एक बात कहा था कि सिचुएशन इस देश में ऐसा आ चुका है कि इमरजेंसी से खराब है। ये जो परिस्थिति है क्यों है? ये भय से ये परिस्थिति बनता है। अगर हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक रहना पड़ेगा, आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे बात कर रहा है तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। मैं यहां में, हमारे संग मनोज झा जी हैं, हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, पार्लियामेंट में हमारी बात हुई, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिज इंडिया में आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे बात हुई। ये बात मैंने मनोज झा जी से बात नहीं की थी, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में, हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्निटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, भाई साहब क्यों, आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करकर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने, आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। ये सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो, उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है। ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए, इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। आज हमारा भाषा खतरे में है। मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी से आपसे संवाद कर रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक भाषा है, कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो,
हमारा पकवान अलग है, तो कहा जाता है नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया, तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है, रिग्नाए ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं, जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? ये देश सिर्फ एक भाषा के आधार में, एक खाने के आधार में या एक वस्त्र के आधार में नहीं बना था। आज नॉर्थ ईस्ट के बारे कोई बात नहीं करता है, दिल्ली में खान मार्केट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं। आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है, मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं, लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में है, क्योंकि उनके दिल, उनका दिल, उनका सोच छोटा है। चौधरी चरण सिंह जी का सोच, हिज आइडियाज इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर टुडे व्हेन आई सी मिस्टर जेना जी टॉकिंग फ्रॉम उड़ीसा, when I see someone talking from Bengal, when I see Yogendra Yadav ji, जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे एक बात से मुझे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रद्योत वापस त्रिपुरा जाओ और वापस लड़ो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आपका संघर्ष है, ये जो आपका सोच है, आप कायम रखिए। इस जंग में अगर मैं अपने आप को राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा। अगर मैं आपके संग इस जंग में अकेला, मैंने आपको अकेला छोड़ा तो मैं हारूंगा, क्योंकि अकेले बांट कर ये जीतते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा भाई है यहां, मैं इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां मैं चौधरी चरण सिंह जी थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये देश को अगर आपको बचाना है, जयंत चौधरी मुझे सुनाई नहीं दे पड़ा भाई, अब जैन भाई मैं जाट बन चुका हूं, आप सबको भी मैं ट्राइबल बनाकर छोड़ूंगा। इतना ही बात रख के मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे यहां में एक मौका दिया और परिवार आपके साथ, आपसे मिलते हैं जी भाई साहब। मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां मैं समाप्त करता हूं। मैं आया था यहां मैं नॉर्थ ईस्ट से एक जनजाति लीडर बनके, मैं वापस एक जाट बनके जा रहा हूं, किसान बनके जा रहा हूं। एक ही विनती है मेरे भाई को, आप
ऐसा दर्जा दीजिए, क्योंकि इनका ये ईमानदार इंसान है, आज तक इनके अंदर अहंकार नहीं है, और इनके अंदर किसी ने कहा कूल है, मैं कहता हूं बहुत कूल हैं आप, और जितने शांत हैं आप उतने अंदर उनका अंदर एक सोच भी है और एक ड्राइव भी है कि ये अपने पार्टी को, अपने देश को, अपने भाई को, अपने बहन को आगे ले जाएगा। बेलाइनो हम्बाय, धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।